स्वर्गीय जगदेव जी और स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी साहू के कर्म स्थली इस पवित्र धरा को मैं नमन करता हूं। आज श्रावणी ग्राम चुनावी सभा में पधारे हुए मेरे साथ हमारे दातारामगढ़ तहसील के भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, जिसमें हमारे बीच में चुनाव के सह प्रभारी के रूप में और एक किसान नेता हमारे बीच में आदरणीय चौधरी पोखरण जी एडवोकेट साहब, और कोविड में जनता की पीड़ित की सेवा करने वाले जन जन तक पहुंचने वाले हमारे राजेंद्र जी दीजपुरा, और युवा शक्ति के प्रतीक और युवाओं के धड़कन के रूप में हमारे बीच में मेरे भाई शक्ति सिंह करोदा, मंच पर हमारे सामने बैठे हैं हमारी पंचायत समिति परसाना की एक युवा और ऊर्जावान प्रधान साहिबान सुनीता जी, और ऐसे ही हमारी एक युवाओं के बीच में एक युवा शक्ति के बीच में मेरे साथ जिला परिषद का मेंबर रह चुकी बहन ममता जी निढारवाल, हमारे बीच में मोहनलाल जी गुजर जो हमारे एबीवीपी के जिला महामंत्री हैं, और हमारे बीच में हमारे देवसेना के अध्यक्ष बलवीर जी गुजर साहब के बेटे हैं, उनका भी मैं जोरदार स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे पंचायत समिति के चुनाव लड़ चुके भाई अजय सिंह जी, हमारे सरपंच साहब विनोद जी यादव साहब, रामू जी हमारे पूर्व सरपंच शिशु के वर्तमान सरपंच जयराम जी कुमार साहब, हमारे पूर्व पंचायत समिति मेंबर रह चुके एडवोकेट कैलाश जी शर्मा साहब, और इस पार्टी के राणौली में जन्मदाता के रूप में सेवा देने वाले हमारे आदरणीय नंद किशोर जी साहू साहब, ओम जी खन्ना साहब जो हमारे किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है, ओम जी जो हमारे फर्स्ट मास्टर हैं जो पहले यहाँ रह चुके हैं, और सभी ग्राम के इस राणौली ग्राम मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों साथ मेरे ग्रामवासियों, मैं आपसे कोई वोट मांगने नहीं आया। वोट तो आप लोग मांगोगे, किसके लिए मांगोगे? आपके लिए। आप अपना वोट लोगों से दूसरे से मांगोगे कि अबकी बार तो राजस्थान के विधानसभा में हमारा राणौली का बेटा जाएगा, हमारा राणौली का भाई जाएगा, हमारा राणौली का व्यक्ति जाएगा। मैं तो आप लोगों के बीच में रहा हूं, मेरी एक छोटी सी दुकान है उस पर मैं आपके बीच में सदा बैठता आया हूं। आप लोग सब मेरे को जानते हैं, मैं आपके बीच में रहा हूं और आपके बीच में रहूंगा। आप लोगों का, आप लोग ही सब लोगों से मिलकर आपका ही फर्ज बनता है कि आप लोगों के पास जाएं, और लोगों के पास जाकर इस राणौली शिशु और बेद के रानी के व्यक्ति को वहां पर विधानसभा में पूछा गया इस गांव के विकास के बारे में अपना काम करें। मैं तो आपको यह विश्वास जताता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपका कभी सिर नहीं झुकने देगा। आपने जो आज
मेरे को यह 51 मीटर का साफा पहनाया है। इस 51 मीटर के साफे की मैं आपकी पूरी लाज रखूंगा, आप लोगों का मान और सम्मान सदा मैं बनाए रखूंगा और इस राणोली ग्राम का कभी मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा, यह आपको विश्वास होगा। मैं आपको विश्वास जताता हूं कि राणोली और शीशी और आज जो बेद की रानी गांव है, इसकी समस्याओं के लिए मैं आपकी आवाज बनकर जो मेरे को उचित मंच मिलेगा उस मंच पर इस जनता की आवाज बनकर उस आवाज को उठाऊंगा, उन समस्याओं को उठाऊंगा, यह मैं आपसे आराधना करता हूं। मेरा आप लोगों से बहुत लगाव है, मैं हर व्यक्ति को मेरा एक घर की तरफ से प्रेम है, प्यार है। वो प्रेम और प्यार इस राणोली की जनता के सदा मेरे साथ रहा है और सदा रहेगा, ये मुझे विश्वास है। मैं तो आप लोगों से ये कहने आया हूं कि हम सब मिलकर आने वाली 25 तारीख को आप सब लोग कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर इस राणोली शिशु और बेद की रानी का नाम आगे तक पहुंचाए और नाम इनका ऐसा हो कि अब की बार हर व्यक्ति राणोली और शिशु का गांव व्यक्ति विधानसभा में पहुंचे। मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूं जो आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा, जैसा आप लोग मुझे आदेश दोगे उस आदेश की मैं आपकी पालना करता रहूंगा, यह मैं आपके साथ विश्वास देकर जताता हूं। आप सब लोगों ने आज जो बाहर से आए हुए मेरे साथ सुबह से शाम तक रात तक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों का आप लोगों ने एक जोरदार और शानदार स्वागत किया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आए हुए लोग हमारे सब अतिथि हैं और अतिथियों का सम्मान करना हम सब लोगों का फर्ज बनता है और हम लोगों ने जो फर्ज आज उनके साथ निभाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा तो आप लोगों से यही है कि आप सब लोग मिलकर एक दूसरे को भावना रखकर, एक दूसरे प्रेम रखकर अपनी जो 5-7 दिन हमारे पीछे बचे हैं उनमें पूरी मेहनत करें, हर घर तक जाएं, हर परिवार तक जाएं और हर मतदाता तक जाएं, हर व्यक्ति को जाकर यह समझाएं कि अब की बार तो हमारे गांव का विधायक बना है, हमारे गांव के विधायक को हमें बनाना चाहिए, यह हम सब लोगों का काम है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। आप विधायक यदि यह बनेगा तो राणोली का हर व्यक्ति, शिशु का हर व्यक्ति विधायक बनेगा, कोई अड्डा नहीं। तो आप सब लोगों से मेरी तो हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप सब लोग इतनी देर रात तक हम लोगों का इंतजार किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेहनत करके अपना विधायक बनाए, अपना आगे अपने गांव का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।